मणिपुर में सिर्फ एक ही कास्ट नहीं है, बहुत कास्ट है ट्राइब में भी। वो लोग अगर उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं तो कुकी को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। सेम रिप्लाई हम लोग भी किया, हम लोग ने उन लोग का भी मकान जला दिया। मैतेई लोग कुछ भी नहीं चाहता है, मैतेई लोग पीस चाहता है। वार ऐसे ऐसे उन लोग ने शुरू किया कि वो खुद अपना मकान जला के हम लोग को ट्रीट करके हम लोग को मतलब हम लोग को ब्लेम किया। मणिपुर में वायलेंस का जो ग्राउंड जीरो है वो ये है सुगनू। कई इलाके ग्राउंड जीरो बने हुए, एक ये भी है सुगनू में। बीते कई घंटों से हिंसा जारी है, लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। इस समय इवैक्यूएशन चल रहा है, जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है तो इवैक्यूएशन चल रहा है। अगर विजय अपने लेफ्ट साइड में दिखा सकें तो उस साइड से लोग रेस्क्यू करके बाहर आ रहे हैं और उधर इम्फाल की ओर या दूसरे इलाकों की ओर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है। और इस तरफ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस तरफ पीछे लोग हमारे मैतेई समुदाय के लोग हैं जो उन लोगों को चीयर करने के लिए खड़े हैं जो रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं। लेकिन सुगनू में असल में हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या था, कब कैसे क्या हुआ था, हम ये जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका सर? नोंगशावा। नोंगशावा, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस मैन हैं। सुगनू में असल में क्या हुआ था, पूरी कहानी पता है आपको? प्लीज़ बताइए हमको। एक्चुअली जो हम लोग का जो ये थ्रेट है, जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम वन मंथ उसके हिसाब से चल रहा था। लेकिन हम लोग जो इधर में सुगनू में जितना भी हम लोग का जो कास्ट जो बसा हुआ है, दोनों बीच में पीस टोक बोल के एक बना हुआ था हम लोग का, इधर साइड से भी उन लोग के साइड से भी, वो मेंटेन करके हम लोग उसके हिसाब से चल रहा था। लेकिन उन लोग ने पीस टोक जो है उस लोग ने तोड़ दिया। तकरीबन 3 बजे के समय में उन लोग ने हम लोग का मकान, 4-5 मकान और जो नदी के पार में इधर में नापत बोल के जगह है उधर में उन लोग ने जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग ने रिप्लाई किया, ठीक है, रिप्लाई किया। हम लोग भी मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोग के पास तो बंदूक नहीं है, उन लोग के पास तो बंदूक है, और जिसके पास बंदूक है उन लोग को असम राइफल सपोर्ट कर रहा है, हम लोग के पास में तो बंदूक नहीं है। हम लोग को मतलब अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मोब हम लोग का ज़्यादा था, कल टेंशन ज़्यादा था हम लोग का, उसके वजह से वो लोग हमको रोक नहीं पाया। हम लोग सेम रिप्लाई हम लोग भी किया, हम लोग ने उन लोग का भी मकान जला दिया, उन लोग ने हम लोग का किया पहले, उसके बाद में हम लोग ने रिप्लाई किया, बस वही हुआ है अभी तक। और अभी हम लोग जो ताली बजा रहा है इधर में हम लोग खड़ा है, ये क्यों की खड़ा है कि हम लोग का शेरऊ जगह है, उधर में हम लोग का भी बहुत मैतेई जो कास्ट है हम लोग का बहुत फंसा हुआ है। उधर में उन लोग का जो मिलिटेंट है उन लोग ने कैप्चर करके एक महीना के पहले कैप्चर करके रख दिया था उधर में, भागा हुआ था बहुत। लेकिन जो जितना भी जो उधर में रुका हुआ था अभी निकलना शुरू हो गया, निकल रहा है। पहली बार हम लोग वो असम राइफल है या फिर कौन है मालूम नहीं, लेकिन असम राइफल का जो गाड़ी है वो हम लोग ने देखा, असम राइफल है बोल के हम लोग एज्यूम करके हम लोग मान रहा है असम राइफल है बोल के। मैतेई लोग चाहते क्या हैं? मैतेई लोग कुछ भी नहीं चाहता है, मैतेई लोग पीस चाहता है, मैतेई पीस चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए हम लोग पीस करके, पीस में जो टोक है ना उसमें हम लोग मेंटेन करके, कुछ भी वार वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था इधर में। क्योंकि लोग इधर सामान खरीदने के लिए आता है, हम लोग देता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम उन लोग ने शुरू किया, मैतेई लोग सिर्फ पीस चाहता है। क्या शुरू किया उन्होंने? प्रॉब्लम वायलेंस शुरू किया, वायलेंस शुरू किया, वही है, फायरिंग किया उन लोग ने। और वो कहते हैं कि मतलब मैं जो कुकी लोगों से भी मिल चुका हूँ एक बार पहले, तो मेरा तो काम सबको सुनना है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैतेई लोगों ने एंग्लो कुकी जो डो वॉर है, मतलब वॉर मेमोरियल का जो है ना डोर चुरचांदपुर का, उसको जला दिया, उससे लड़ाई शुरू हुआ। देखिए ना, बात तो बोलते रहेंगे लेकिन ना, चुरचांदपुर साइड में जो एंग्लो कुकी वार का जो उधर में पोस्टर लगा हुआ है, उधर में कौन कौन सा कास्ट उधर में जो बसा हुआ है नज़दीक में, आप पहले वो पता कीजिएगा, क्योंकि मैतेई लोग तो बहुत कम उधर में रहता है। मैक्सिमम तो चुरचांदपुर साइड का जो कुकी ट्राइब्स है वो लोग बसा हुआ है उधर में। हम लोग उसके पास में जाके, जो बंदूक है उसके पास में जाके, हम लोग का कैपेसिटी उतना नहीं है कि हम लोग जाके उधर में पहला शुरू करें। वार ऐसे ऐसे उन लोग ने शुरू किया कि वो खुद अपना मकान जला के हम लोग को ट्रीट करके हम लोग को मतलब हम लोग को ब्लेम किया। मेनली चाहता क्या है कि हम लोग का जो एंटी जो ट्राइबल है ना, हम लोग ने उसका समर्थन किया है, क्योंकि हम लोग भी हिल एरिया का कास्ट है हम लोग भी, और हम लोग मैतेई जो है ओरिजिन है वो तो ट्राइब होना ही है। हम लोग मांग नहीं रहे, हम लोग का जो पहला जो हम लोग का हक है, अधिकार है, हम वही वापस करने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो लोग को इतना भी, देखिए ना, मणिपुर में सिर्फ एक ही कास्ट नहीं है, बहुत कास्ट है ट्राइब में भी। वो लोग अगर उन लोग को प्रॉब्लम नहीं तो कुकी को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? उन लोग को प्रॉब्लम है, उसके वजह से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? वही तो प्रॉब्लम, हमको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है। कि
ट्राइब में क्या क्या उन लोग ने क्या सोचा है पता नहीं, लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी प्रॉब्लम नहीं है। कुकी को पूछना पड़ेगा उनको क्या प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम है कि हम लोग ट्राइब का उसमें हम लोग समर्थन किया, उसमें अगर शामिल हो गया तो वो लोग क्या सोच रहा है हमको पता नहीं है। असम राइफल्स अब तक आप बोल रहे थे कि आपके साथ नहीं है और अब कह रहे हैं अब आपके साथ है। हाँ। कब से ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपको? अभी सुबह से। आज सुबह से? आज सुबह से। कैसे कह सकते हैं कि असम राइफल आपके साथ है? क्योंकि जो असम राइफल का जो गाड़ी है, जो उसमें हम लोग का जो मैतई उधर में जो फंसा हुआ है ना, वो उसमें डाल के हम लोग को मैतई जो है उसको निकालने के लिए वो लोग काम कर रहा है, वही उसके वजह से हम लोग समर्थन किया है बोल के बोल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं वो, अभी हम फिक्स नहीं है। कल और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कल इधर में हम लोग रिप्लाई में हम लोग आग जलाना शुरू किया, हम लोग जाते जाते इधर में ऊपर में असम राइफल का कैंप है, ठीक है, ट्राइब जो मिल्टन के थ्रू हम लोग को फायरिंग नहीं आ रहा है, उन लोग का जगह से फायरिंग आ रहा है राइफल की जगह, राइफल के साइड से हम लोग का उधर जो हम लोग का मॉब जो समर्थन कर रहा है, हम लोग का जो मिटी कास है उसके ऊपर में फायरिंग आ रहा है। क्या फायरिंग कर रहा है? मॉक बुलेट, रबड़ बुलेट या असली रियल आ रहा है? और हम लोग का बंदा भी मतलब मरा हुआ है, घायल भी है, एक बंदा तो उसका हो गया डेट हो गया, एक दो तीन बंदा का तो घायल हुआ है। तो मणिपुर में इस तरह की कहानियां, इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप बहुत आम सुनाई दे रहे हैं और अब क्रॉस हेयर्स पे, लोगों के क्रॉस हेयर्स पे हैं आर्म फोर्सेस, जिन पर ये आरोप हैं कि कभी वो एक कम्युनिटी के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो कभी दूसरी कम्युनिटी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सच की तलाश हम जारी रखेंगे, बने रहिए।